भाई नमाज की बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला ने हम पर जो 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, हमें उसे मुस्तहिदी के साथ पढ़ना चाहिए। नूरा जी, तूने सुन्नत के खिलाफ काम कर दिया ना? मैंने क्या किया साहब जी? नूरा, मस्जिद में दाखिल होते वक्त दाएं पैर अंदर रखना और दुआ पढ़ना अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। एक हदीस में हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहले दाएं पैर अंदर रखो और जब मस्जिद से बाहर आओ तो पहले बायां पैर बाहर रखो। इस अमल में बहुत बरकत है और मस्जिद में जूते उतारना और पहनने का भी यही तरीका होना चाहिए। अगर जूता उतारो तो पहले बाएं पैर का और पहनो तो दाएं पैर का, और मस्जिद में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा फतह लि अबवाब रहमतिका। बेशक जब तक हम अपने प्यारे आका की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेंगे, तब तक हमारे आमाल गुनाहों से पाक नहीं होंगे। बनाइए जिंदगी के उसूल, अपनाइए सुन्नत रसूल।